बजरंग दल के जिला संयोजक पुष्पेंद्र सिकरवार ने बताया कि कुछ दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि कैलाश थाना क्षेत्र से गौवंशों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर हमने कैलाश थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुगर फैक्ट्री के पास एक कंटेनर जिसमें लगभग 36 गौवंश भरे हुए थे और 2 मृत थे। जैसे ही सुगर फैक्ट्री के पास से निकला तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे रोका तो मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला, जिसकी सूचना कैलाश थाना में दी गई। ट्रक को कैलाश थाना में रखवा दिया गया है। पिछले 2 दिन से सूचना मिल रही थी कि यहाँ से गायों से भरा हुआ एक कंटेनर जा रहा है जो तेजी से चलाते हुए सभी को ओवरटेक कर। चूँकि आज रात को बजरंग दल के कुछ साथियों को जैसे ही सूचना मिली कि कंटेनर कैलारस आ गया है तो उन्होंने गाड़ी का पीछा किया तथा गाड़ी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसमें ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के और उसके साथी भाग निकले। वहीं उप निरीक्षक प्रीति जादौन ने बताया कि हमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना दी गई कि गौवंश से भरा हुआ ट्रक हमने पकड़ लिया है, जिसे थाने में रखवा दिया गया है। पुलिस ने मौजूद गायों को चेकअप कर सुरक्षित बहरारा की गौशाला में छोड़ दिया गया और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई कर ट्रक जब्ती में ले लिया गया है। जब मैं अपनी मई फोर्स के साथ कस्बा भ्रमण पे थी तब एक पुष्पेंद्र करके हैं जो कि गौवंश से संबंधित ही कार्रवाई करते रहते हैं, कार्यकर्ता हैं एक तरह से, गायों के प्रति संवेदनशील है, तो उनकी सूचना प्राप्त हुई थी कि सुगर फैक्ट्री के सामने एक ट्रक पकड़ रखा हुआ है जिसका ड्राइवर तो मौके से भाग गया था, जिसमें कुछ गौवंश और गाय वगैरह भी भरी हुई थी। मौके पर जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और संबंधित जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग के हैं, नायब तहसीलदार सर को भी वहाँ मौके पर बुलाया गया था, डॉक्टर की टीम को भी बुलाया गया था, क्योंकि गौवंश की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि मौके पर ही वही कार्रवाई की जाए। इस वजह से उन्हें क्षेत्र के एक गौशाला में सुरक्षित भेजा गया जहाँ पर उनका मेडिकल किया गया। टोटल 36 नग थे गौवंश के, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी थी जो कि बैल थे, बाकी 34 सुरक्षित थे जिनको उपचार करवाया गया, दवाई वगैरह, बाकी थाने पर वापसी पर से अपराध पंजीबद्ध कर लाइन किया गया है और जो ट्रक है उसको भी जब्त कर थाने पर सुरक्षित रखा गया।